और अब बात करेंगे खूबसूरत वादियों की, दिखाएंगे तस्वीर आपको, दिखाएंगे बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर। औली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग शुरू हो चुकी है। स्कीइंग के खिलाड़ी एशिया के सबसे लंबे स्की स्लोप पर करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2024 की ये पहली स्कीइंग प्रैक्टिस है और औली में इसकी शुरुआत हो गई। आने वाले दिनों में और बर्फबारी यदि होती है तो औली में नेशनल स्कीइंग खेलों का भी आयोजन किया जा सकता है। तो कुछ देर ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ की खूबसूरती का एहसास होगा। और देखिए किस तरह से स्कीइंग की प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी स्कीइंग के लिए ताज़ा जो बर्फबारी है उससे बेहतर और कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जब और दृढ़ता आ जाती है तो वो स्कीइंग के लिए सबसे मुफीद हो जाती है। और देखिए स्कीइंग करते वहाँ पर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। स्कीइंग के लिए नेशनल चैम्पियनशिप का जो आयोजन होना है उसके मुताबिक थोड़ी सी और बर्फबारी की आवश्यकता यहाँ पर है। और पहाड़ों में इस सीजन की बर्फबारी लगातार चल रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। चमोली उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। और इस मौसम की बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में दो दिन तक हुई बर्फबारी के बाद थोड़ी राहत मिली है। धूप खिलने के साथ ही पहाड़ों में स्थानीय लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चमोली के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद बागवानी करने वाले किसानों को भी राहत मिली है। पहाड़ों में दो दिन तक जमकर बर्फबारी हुई और उसके बाद एक बार फिर से मौसम साफ हो चुका है। और मौसम साफ होने के बाद कहीं ना कहीं पहाड़ वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। आप देखें किस तरीके से अभी भी पहाड़ में बर्फबारी के बाद किस तरीके के नज़ारे सामने आ रहे हैं। पूरे पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। 3000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई के जितने भी इलाके हैं उनमें जमकर बर्फबारी हुई है। चमोली में दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे सड़क मार्ग पर बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद हो चुका है। मलारी जोशीमठ औली हाईवे भी बर्फबारी के चलते बार बार बाधित हो रहा है। हालांकि बीआरओ की ओर से मशीन लगाकर बर्फ को साफ किया जा रहा है। जोशीमठ से औली जा रहे पर्यटक धीरे धीरे बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जहां पर्यटक इस बर्फबारी के साथ पहाड़ के सुंदर वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं किसान भी इस बर्फबारी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन मौसम इसी तरह मेहरबान रहा तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खासकर जो हम सेब किसान हैं यहाँ पे और बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी सेब के लिए जो है ये जो बर्फबारी है वरदान साबित होती है और इसी के ऊपर हमारी पूरी फसल जो है निर्भर करती है। अभी हम हरियाणा में हम देहरादून जा रहे थे और हमें रास्ते में इतनी अच्छी बर्फ मिली और अब हम खेल रहे हैं। चकराता में भी खूब बर्फबारी हुई है। लगातार दो दिन यहाँ बर्फ गिरी है और सैलानियों के साथ साथ किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। लंबे समय के बाद बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बर्फबारी की वजह से कुछ मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन लोग बर्फबारी से खासे खुश हैं। काफी मात्रा में टूरिस्ट आए हैं और 2024 की पहली बर्फबारी है और लोगों का बड़ा यहाँ पे बड़ा उत्सुक और हमारे बागवानी क्षेत्र में भी काफ़ी इसका असर रहता है और हमारे जो जितने भी अपना छोटे छोटे उस पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है और ये आज जो है ऊपर से बड़ी कृपा हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मौसम बदलने के साथ ही रुक रुक कर बर्फबारी होने का सिलसिला जारी है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहां गंगोत्री धाम बर्फबारी से सफेद चादर में नजर आ रहा है। हालांकि निचले क्षेत्र में बारिश नहीं होने से सूखे के हालात बने हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और बड़ी राहत मिलेगी। बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम में बेहद कम बर्फबारी हुई है। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। वहीं बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में
कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी के बाद केदार घाटी काफी सुंदर नजर आ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में दो दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। धाम में 3 से लेकर 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तप्त कुंड भी बर्फ से ढक चुका है। बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी हनुमान चट्टी से बाधित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वाकई काफी खूबसूरत तस्वीरें बर्फबारी की हैं। और अब बढ़ेंगे आगे। रतलाम में एक बड़े फर्जीवाड़े की आशंका की जानकारी मिली, जहां मजदूर सब्जी वालों के नाम कंपनी बनाकर लेन देन हो रहा है। तो 4 अकाउंट से 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन देखा गया। 40 से ज्यादा बैंक खातों की जांच लगातार की जा रही है। तो गिरोह के 3 सदस्य हैं जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, और देश के अलग अलग राज्यों से नेटवर्क इस गिरोह का जुड़ा हुआ है, और इसीलिए एक व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जरूरत। सिर्फ 3 आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं, कुछ और आरोपी हो सकते हैं, इस प्रकार की आशंका। 2, 4, 10 नहीं, पूरे 40 बैंक से इसकी खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी पकड़ लिए गए हैं और जल्द ही इसका पूरा खुलासा होने की संभावना है। को हम लोगों ने एक गैंग पकड़ा था जिसके अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो मजदूरी करने वाले सब्जी ठेले वाले लोगों के नाम पे कंपनियां बनाकर उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए जो है वो इधर से उधर किए जा रहे हैं, एम्बेजलमेंट किया जा रहा है। तो उसमें 3 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। अभी अकाउंट्स की डिटेल हम लोग खंगाल रहे हैं। जो 4 अकाउंट की डिटेल हम लोगों को रतलाम में जो खुलवाए गए थे उनकी जानकारी निकालकर जब डिटेल देखा गया है तो लगभग 50 से 60 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शंस उसके अंदर पिछले 1.5 महीने के अंदर है। अभी और भी जो 40 से 45 अकाउंट हम लोगों को जानकारी में आए हैं उसकी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जान पड़ता है, अभी तक क्या कार्रवाई? सिर्फ 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए, और मैं बता दूं कि ये बहुत ही छोटी मछलियां हैं, इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि 1.5 महीने में 60 करोड़ का जो है ट्रांजेक्शन हुआ है सिर्फ 4 अकाउंट से। जब 4 अकाउंट से सिर्फ 60 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो अभी 45 अकाउंट की जांच बाकी है, जिनके स्टेटमेंट के लिए रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा ने जो बैंक की जो बड़ी जो ब्रांचेज है उसके प्रमुखों को यहाँ पे लेटर लिखा है। जब ये स्टेटमेंट आएंगे 45 अकाउंट का तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो 60 CR तक के जो मामला पहुंचा है, 60 करोड़ तक के, ये मामला सैकड़ों करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। चूंकि अब देखना ये है कि ट्रांजेक्शन चूंकि बैंक से बैंक में होता था, अकाउंट से अकाउंट में होता था, तो आखिर क्या वजह है, इसके पीछे कौन लोग है, और पूरे देश के कई ऐसे राज्य है जहां पे इनका नेटवर्क फैला हुआ था। तो बड़ा जो मामला यहाँ पे खुलता रतलाम से दिखाई दे रहा है, और अब देखना है कि आखिर बड़ी मछलियां इस पूरे मामले में कौन है जिनका इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना बनी हुई है। जी, 4 अकाउंट से 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है सुधीर, और 40 बैंक के खातों की जांच चल रही है अभी। क्या ये साइबर ठगी, साइबर टीम को भी इसमें लिया गया है? किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है फिलहाल अभी इसकी? देखिए, अभी जो साइबर एक्सपर्ट है रतलाम पुलिस के, वो ही इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन तरीका देखिए कि कोई मजदूर को या कोई एक बेरोजगार युवक को पकड़ते थे, उसको कहते थे कि आप 10 से 15 हजार रुपए लीजिए और अपने जितने बैंकिंग राइट है हमको दे दीजिए, आपको देखना ही नहीं है कि आपको बैंक में क्या हो रहा है। लेकिन जब एक फास्ट फूड संचालक का माथा ठनका कि मुझे 15 हजार दे रहे हैं तो मैं जाके देखूं बैंक में क्या है, तो उसे पता लगा कि उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका है 1.5 मंथ में। तो उसने तत्काल बैंक में अकाउंट सीज करने का एप्लीकेशन दिया और थाने में शिकायत की। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे।